हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी टैबो यादव। आप देख रहे हैं आज स्टडी हाउस टैबो चैनल। हम आज बट्टा जो चल रहा है अपना डिस्काउंट पार्ट्स छूट, उसका आज हम तीसरा भाग कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ नए से मिलेंगे और एक रीजन और है जो हमने कल क्वेश्चन कुछ करा दिए थे। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हमने कराया था उसका आज हम ट्रिक्स कुछ नहीं बताएंगे, एक सेकेंड या दो सेकेंड में आंसर उसका हम हल करेंगे। और इसमें एक नई बात ये है कि जो क्वेश्चन से हम करा रहे हैं वो क्वेश्चन 99% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और रखे भी जाते हैं, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो भी क्वेश्चन कराती है उन क्वेश्चन को जरूर पुट करती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल 900 रुपये है, ठीक। तो 8% के दो क्रमवार डिस्काउंट देता है हमें, 8% के दो क्रमवार डिस्काउंट दिया जाता है। तो दो क्रमवार डिस्काउंट पर जब दो दे रहा है ऑलरेडी, फिर उसके बाद एक डिस्काउंट और दिया जाता है 16% का, तो पूछ रहा है कि उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो हम देखते हैं सॉल्यूशंस क्या बनता है, ठीक। तो वस्तु कह रहा है कि दो क्रमवार जब डिस्काउंट हमें दिए जाएंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखो। देखो यहाँ से देखो, 8% हमें दो दे रहा है तो प्लस 8% कितना हो जाएगा, 16%। उसने इंटरेस्ट समझा ध्यान से, हमें 8% दो डिस्काउंट दे रहा है तो 8 8 16% का हो जाएगा। तो वो उसने यहाँ टोटल हमें दे दिया 16%, या तो हम इससे निकाल दो या यहाँ से निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, यहीं से निकाले 8% मल्टीप्लाई 8% बटे, और प्रतिशत जब हम हटा देंगे तो हमारे नीचे कितना हो जाएगा, ठीक, 0 से 0 कट गया। अब गुणा कर लो यहाँ पर, ये हो गया 64 × 9/100, और इसे थोड़ा कट कर लो, 4 और 25 से कट जाएगा, ये 16 से कटेगा, तो हमारा कितना हो गया 144/25। अब देखो हमने कुछ नहीं किया, देखो ध्यान से रखना, हम बता समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि 8% का दो क्रमवार हमें डिस्काउंट है, तो 8 8 के दो देगा तो सीधा सीधा इसने क्या कर दिया, दो क्रमवार डिस्काउंट रिपीट कर दिया, वैल्यू 16% का दे दिया, कितना दे दिया 16% का। तो लाभ हानि पूछा तो हमने क्या किया, 900 × 8 8 / 10,000 के लिए, क्योंकि परसेंट चेंज किया इसे फ्रैक्शन में, तो हमारी वैल्यू आएगी 144/25। अब देखो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, तो 25 का इसमें भाग दो, 25 × 125 = 150, तो हमारा जाएगा 5 बार, तो 25 × 125 कितना बच रहा है, 125 बचा तुम्हारे यहाँ पर, 19 बच रहा है, तो 19 के 190 हो जाएगा, तो 190 कितनी बार जा रहा है, 25 × 70 = 175, 25 × 70 = 7 बार, तो 5.7% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन के जो हमने कल कराया था पूरा, इसका हमने 900 का 8 निकाला, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 8 निकालेंगे, फिर वो जो वैल्यू टोटल आएगी उसका 16% निकालें, 16% निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करें, तब हमारी ये वैल्यू बनी। तो हमने इसे सीधा सीधा कर लिया कि हमें 900 का भी 8% दो दो दे रहा, तो ऑलरेडी यहाँ पर इसने कंप्लीट दे दी कि हमें ये कन्फ्यूज करने के लिए वैल्यू देता है कि वैल्यू क्वेश्चन पढ़ो हो यहाँ पर, हम 8 की बजाय हम 16 का निकालना भी शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया, 9 का 8 का 8 का निकाला, ये 10,000 कर लिया, तो 64 × 9/100, तो हम सॉल्व करेंगे 144/25 से निकालेंगे, तो 5.7% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक खिलौना गाड़ी है, क्या है एक खिलौना गाड़ी जिसे 400 रुपये क्या है अंकित मूल्य, मतलब प्रिंट रेट इस पर लगी हुई है, गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया। खिलौना गाड़ी जो बेची गई है तैयार, मतलब खिलौना गाड़ी भाई कोई भी खिलौना हो सकता है, अब गणेश पूजन की कोई मूर्ति भी हो सकती है, तो उसने क्या किया, गणेश पूजन 8% छूट पर बेचा गया, ठीक। उसने बाद में तो यहाँ बोल दिया 1 8% की घोषणा की, जब याद रखना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी चेंज की गई है, 8% छूट दे दी, तो उसके बाद उसने क्या किया, एक बार फिर 8% की घोषणा कर दी, मतलब किसने, दुकानदार ने। बाद में उसने ये कहा ग्राहक को, ग्राहक से कम 16% ग्राहक से बोलता है कि 16% छूट देंगे हम, ध्यान से समझो क्वेश्चन का ट्विस्ट समझना, ध्यान से देखो, 8% ऑलरेडी हमें दे रखा था, और ग्राहक से बाद में उसने बोल दिया कि 16%। देखो ग्राहक जब भी लेगा तो याद रखना, या तो ग्राहक हमेशा डिस्काउंट ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, और अगर कोई कॉस्ट प्राइज है या कोई जैसे सेलिंग प्राइज है तो वो हमेशा कम करने की कोशिश करेगा। तो भाई ग्राहक दो खड़े, एक ग्राहक खड़ा हुआ, उसने कहा 8% पहले बोल दिया उसने, लास्ट में आएगा ग्राहक से बोलेगा कि हम 16% छूट देंगे, तो ग्राहक समझ जाएगा हम 16% छूट मिल रही, तो इसका मतलब हमें बहुत अच्छी छूट मिल रही, तो क्या करें, वो तैयार हो जाएगा, उसी समय अब पूछ रहा लाभ होगा या हानि होगी। तो देखते हैं, 400 दिया गया हमें, अब देखो यहाँ पर हम 16 न लेकर क्या लेंगे, 8% 8 × 8 सॉल्व करेंगे, इसके दोनों सॉल्व, 2 0 से 0 कट गया, और 4 से 1 काटेंगे कितनी बार, 25 बार, तो हमारा 64/25, ठीक। अब इसे काट लो, 25 दूनी 50,
बची कितनी 14, 140 हो गई 25, 125 बची 15, फिर 125 का 2.56% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान समझना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा लैंग्वेज चेंज कर देगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है उसने, 1.8% की घोषणा कर दी। जब देखो 8 के दे रहा था ऑलरेडी, उसने 8 की फिर यहाँ कर दी, तो क्वेश्चन को तुम्हें कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा पूरा, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। 8% छूट दे रहा, फिर उसने 8% और बोल दी, तो बाद में उसने टोटल दोनों को बोल दी 16%। तो हमारी इस तरीके 400 × 8 × 8 / 10000 तो 64/25, तो 25 गुणा करें वो भाग देंगे तो 2.56% क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है उसका जो मार्क प्राइस दे रहा है कितना दे रहा है मार्क प्राइस, 1,00,000 रुपये, 1,00,000। ठीक, उस पर उसे छूट 2 दे रहा है, कितनी दे रहा है 36% और 40% की, 36% और 4%, क्या दे रहा है 36% और 4%। लास्ट में देखो ध्यान रखना, जब दुकानदार तुमसे ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा या तो वो अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें करेगा 36 और 4 = 40%, तो उसने जब ग्राहक कोई खड़ा होगा तो उससे बोला हम तुम्हें इस प्रोडक्ट पे जो 1,00,000 की वस्तु हम ले जो मार्क प्राइस है हम जैसे खरीदेंगे तो हम 36% डिस्काउंट देंगे, ये 4% का डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट हम तुम्हें दे रहे हैं। और लास्ट में आएगा वो धीरे से ही बोल देगा तुम्हें 40 कम देंगे, इससे हम ज़्यादा नहीं दे सकते, तो उस समय हम 36 और 4 भूल जाएंगे, हम 40 पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हम वस्तु को आसानी से खरीद लेंगे। तो यही याद रखना, हमेशा दुकानदार जब भी करेगा तो या तो वो ज़्यादा वैल्यू बोलेंगे तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, तुम तुरंत परचेज करोगे, जब लास्ट में समझोगे तो तुम्हें वही मीन्स मिलेगा तुम्हें। तो हम क्या करेंगे 36 × 4 × 1,00,000 / इनका परसेंट निकालेंगे 100 × 100। ठीक, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, तो गुणा कर दो कितना बन रहा हमारा 36 × 4 गुणा करेंगे हम 4×6 = 24, 4×12 = 14, 10 = 1440, तो 1440 रुपये का उसे लाभ होगा। तो ध्यान रखना, याद रखना उस समय उन वैल्यू में परसेंट निकाल रहे थे, यहाँ पे देखो 36 और 4, देखो रिमेंबर वैल्यू हमेशा याद रखना, रिमेंबर वैल्यू जब भी अगर हमें ज़्यादा हो तो या तो लाभ मुझे परसेंट में होगा, या तो लाभ हमें कोई वस्तु में या क्रय मूल्य के रूप में, या हमें सेलिंग प्राइस जो हम खरीद रहे हैं उसके रूप में, तो 1440 रुपये का हमें क्या हो जाएगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज है, थोड़ा टाइप चेंज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप चेंज है। एक वस्तु किसी मार्क प्राइस पर 2 × 1/2% का बट्टा दिया, मतलब कोई वस्तु मान ले रहे हम यहाँ पर 100 मान लेते, क्या मान लेते 100, तो 100 पे भाई उसने क्या किया 2 × 1/2% का क्या दिया, बट्टा दिया, क्या दिया बट्टा दिया। तो सबसे पहले से हम परसेंट को नॉर्मल वैल्यू चेंज करेंगे, उसके बाद क्या किया, जो व्यक्ति वस्तु को 39 रुपये में खरीदता है, ठीक, इतने देने के बाद उसे कितने रुपये में खरीदी 39 रुपये में, तो वस्तु का मार्क प्राइस पूछ रहा था, ठीक है हमें जो परसेंट दिया जाता है, हमें जो डिस्काउंट दिया जाता है किस पर दिया था, मार्क प्राइस, हमने भाई मार्क प्राइस यहाँ कितना माना 100, अब से हम सॉल्व करेंगे 2 से 1, तो ये 5/5 हमारा कितना हो जाएगा 2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे 100 कर दो, परसेंट को 5 × 10 बराबर 1/40 आ गया, कितना आ गया 1/40। अब देखो ध्यान से, हमारा नीचे यहाँ कितना है मार्क प्राइस 40, ऊपर कितना है कम, तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब ध्यान समझ लो, मार्क प्राइस पर 2 × 1/2% का बट्टा देता है, मार्क प्राइस पर 2 × 1/2%, तो व्यक्ति वस्तु को 39 रुपये में खरीद लेता है, तो वस्तु का मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस निकालने तो हम क्या करते हैं 39, हमने ध्यान रखना जब भी हमें मार्क प्राइस पूछ रहा है तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस, तो 39 = 40 × 39 हमें कितना दिया गया, तो 39 काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 40, जो हमारा मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा 40 रुपये होगा। देखो ध्यान से, कुछ नया नहीं है, थोड़े ध्यान से समझना, हमें मार्क प्राइस पर 2 से 1/2 तो हमने क्या किया 5/2 हो गया, ऐसे हमने फ्रैक्शन बदल लिया, 100 का नीचे गुणा करने के प्रोसेस चेंज करेंगे तो 200 हो गया, 5 से काटा तो हमारा कितना आ गया 40 आ गया, तो 40 जब भाई नीचे वाली वैल्यू मार्क प्राइस 40 है, ऊपर वाली भाई क्या होती है सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो भाई बट्टा दे रहा है तो 40 से कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 39, तो 39 = 40 × 39 हमें क्या वैल्यू दी गई थी 39, काट देंगे 40 रुपये का उसे क्या होगा, उसका मार्क प्राइस होगा, क्या होगा मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट दिया, मतलब कोई अंकित मूल्य होगा किसी वस्तु का, अंकित मूल्य हम नहीं है मेरे पास, तो हम क्या मान लेंगे 100, तो 100% क्या है 14% का डिस्काउंट दिया। उसके बाद ये कहाँ देकर से 387 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये में बेच दिया 387 रुपये में। जब 387 रुपये बेच दिया तो पूछ रहा मार्क प्राइस क्या होगा, उस पर जो हमने चिट चिपकाई थी, जो हमने उसे अंकित मूल्य किया था, वो मार्क वो मूल्य हमसे पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे, तो देखो MP और SP, तो जब MP हमारा कोई है नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे 100, डिस्काउंट कितना दे रहा है हमें 14% का, तो 14% का 100 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 86, कितना निकलेगा 86, तो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा, 50 4 3, ठीक कितना निकलेगा 4 और 3। अब देखो हमने अभी बताया था तुम्हें SP निकालते थे 43 बराबर 50 गुणे कितना दिया हमें 387। अब 387 दे रहा है तो देखो ध्यान से 43 यहाँ पर गुणा कर दो, देखो 43 अगर 9 थी 70, 9 4 36 दौड़ते 9 से काटेंगे इसे, तो 9 से 9 एक 9 और ये क्या बार कट जाएगा, 9 से काटो 9 थी 70 से कितने बार कट जाएगा 9 बार, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा ये 9 × 45 450 रुपये। उसके जो अंकित मूल्य होगा, जो वो चिट चिपकाएगा, जो अपना अंकित मूल्य रेट वहाँ पर रखेगा, कितने का 450 रुपये क्या हो जाएगा उसका MP हो जाएगा, कितना हो जाएगा MP 450 का क्या हो जाएगा, जो उस वस्तु पर वो चिट चिपकाएगा या वस्तु पर जो अंकित मूल्य करेगा वो कितना होगा 450 रुपये। तो हमने कुछ नहीं किया, 100 था भाई 14% डिस्काउंट, तो हमने 86 कर लिया, जैसे थोड़ा काट लिया तो उसे 50 हो गया 43 हो गया, 43 बराबर हमने बताया था अभी मार्क प्राइस निकालने के लिए हम 43 से करें, 43 बराबर 50। अब ये देखो 9 से कटे 9 3 70 9 4 36 दौड़ते, तो 9 से कटा पूरा 9 × 45 450 रुपये क्या हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कमीज है, कमीज और पैंट का रेशियो में कितना दे रहा है 1:2 दे रहा है दुकानदार, क्या दे अनुपात कितना दिया है 1:2 में है। अब उसने कहा दुकानदार पर 40% की छूट देता है, जो दुकानदार उस दोनों पैंट और कमीज पर कितनी परसेंट छूट देता है 40% की, कितनी 40% छूट देता है, तो कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर दी गई छूट कितनी होती है 30%, मतलब कमीज और पैंट को दोनों को मिलाया गया, दोनों को जोड़ा गया ऐड किया गया तो उससे कितनी छूट हुई 30। तो देखो कमीज और पैंट तो कमीज और पैंट, तो जब कमीज और पैंट पर भाई कितना दे रहा है 1:2 दे रहा है, तो 1:2 देगा, देखो ध्यान से अगर हम इन्हीं दोनों को चेक करेंगे इन दोनों से तो हम वैल्यू निकालने थोड़ा आसान नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से इन दोनों को 100 में कन्वर्ट कर लेते, कितने 100 का गुणा कर लेते। इससे हमने क्यों किया अभी हम तुम्हें बताएंगे, इन दोनों ऐड करो कितना निकलेगा 300 निकलेगा। आप देखो आसानी से अगर हम 3% अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3% का 3% निकालें तो हमारी वैल्यू किस में जाएगी डेसिमल में जाएगी, तो हम यहाँ से सीधा सीधा क्या कर लेंगे 30% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90, तो हमने निकाला इनका दोनों करके तो हमारा कितना निकलेगा आएगा 90 आ गया, ठीक तो 90 का आएगा। अब उसके बाद उसने कहा दोनों मिलाकर, ये ध्यान समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, दोनों को मिलाकर 30% छूट दी। उसके बाद देख लो यहाँ पर अभी कहा दुकानदार ने भाई 1:2 था तो भाई 40% की छूट दी, तो भाई हम 100 पे पहले 40 निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 100 पर 40 निकालेंगे, 100 पर देखो 40 है तो 40% छूट दे रहे हैं, ठीक। अब जब 100 पर 40 ही दे रहा हो, हमने टोटल निकाला कि 100 और 200 का तो कितना निकला 30, इन दोनों का अंतर देखो कितना निकल रहा है 50 का, कितना निकल रहा 50% का निकल रहा, क्या 50 का क्या निकल रहा है अंतर निकल रहा है। अब देखो उसने क्वेश्चन भी कहा था पैंट की दी गई छूट, आप देखो ध्यान से पैंट हमारे कितने का था 200 रुपये का, तो हमारा अंतर कितना निकला 50, और पैंट की दी गई छूट कितनी थी 200 गुणे 100 काटेंगे 25, तो हमारा कितना 25% की क्या निकलेगी पैंट पर दी गई छूट निकल आएगी, कितनी निकलेगी 25% किस पर दी गई पैंट की दी गई छूट कितनी हो गई। तो कुछ हमने नया नहीं किया, कमीज और हमने पैंट का अनुपात कितना दे रहा था 1:2 दे रहा था, हमने इसीलिए 100 किया क्योंकि हमें आसानी से हमने कहा सॉल्व कर सकते तो हम वैल्यू फाइंड कर लें, तो हमने 100 का दोनों तरफ क्या कर दिया गुणा कर दिया तो ये हो गया। अब लास्ट में उसने ये कहा था दोनों को मिलाकर 30% छूट दे रही है, दोनों को जब हम ऐड करें तो कितना 100
और 200 कितना हो जाएगा 300, 300 का 30% निकाले तो 90 निकल के आएगा। और जब उसने ने पहले ही कहा था कि दुकानदार 40% छूट दे रहा है कितने दोनों पर, तो हमने क्या किया 100 का भी 40 रखेंगे तो 40 और 90 का क्या होगा डिफरेंस 50। तो भाई पूछ किसका रहा था पेंट का, तो 50/200 × 100 कितना निकले आएगा 25% की क्या निकलेगी पेंट पर छूट निकलेगी। तीसरा थर्ड टाइप अच्छे क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज चेंज है बिल्कुल चेंज है। ये कह रहा है कि पुस्तक का अंकित मूल्य पर एक पुस्तक है उसका अंकित मूल्य पर 16% छूट दी, ठीक है। एक आदमी जब 16% छूट देता तो वह आदमी 80 रुपये की लागत वाली पुस्तक क्या लागत वाली पुस्तक खरीद सकता है, ठीक है, लागत वाली पुस्तक खरीद सकता है। तो पुस्तक के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो भाई वो दुकानदार कोई व्यक्ति दुकान पर पहुँचा तो उसने क्या किया सबसे पहले 16% डिस्काउंट दे दिया। अब उसने ये सीधा सीधा बोल दिया कि हम आपको इस पुस्तक को 16 रुपये का डिस्काउंट देंगे, तब आपको पुस्तक कितनी मिलेगी 80 रुपये मिलेगी, ठीक है। तो दुकानदार को था तो दुकानदार फिर मतलब दुकानदार ने कहा 16% का डिस्काउंट देते हुए आपकी जो पुस्तक होगी वो 16 रुपये की होगी। तब तो ग्राहक क्या कहता कि हमें आपको रुपये कितना देना पड़ेगा, तो वो ही पूछ रहा है कि पुस्तक के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 16/80 × 100 निकालेंगे तो 16×5 = 80 तो बराबर 500 रुपये। तो कितना रुपये देना पड़ेगा 500 रुपये ग्राहक देगा उसे, तब उसे 16% डिस्काउंट पर 80 रुपये की क्या मिलेगी किताब मिलेगी, क्या मिलेगी पुस्तक मिलेगी। तो हमने क्या किया 16/80 × 100 तो हमारा ये आंसर आ जाए कितना 500 रुपये, उसे 500 रुपये देना पड़ेगा क्योंकि 16% का डिस्काउंट ले रहा है, तो पुस्तक को हम 80 रुपये में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो उसे मौसम के हिसाब से 736 रुपये में बेच देता है, मौसम के हिसाब से 736 रुपये में बेच देता है। ध्यान रखना यहाँ पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मौसम दिया गया तो वेदर से हमें कोई संबंध नहीं है, बस ये याद रखना मौसम का यहाँ शब्द क्यों यूज़ किया गया है। देखो कोई दुकानदार क्या होता है वो हमेशा ये चीज़ देखता है कि हमारी जो रेट है हमारी जो वस्तु है वो सही समय पर और सही रेट में चली जाए तो वही उसका क्या कहलाता है मौसम कहलाता है। मौसम से ये नहीं समझ लेना यहाँ हमने वेदरिंग का यूज़ किया है, तो वो यूज़ किसका कर रहा है उस वो अपने रेट के लिए और डिस्काउंट या परसेंटेज के लिए अच्छा बनाने के लिए, तो वो मौसम का क्या करेगा इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पे मौसम का मतलब होता है वो सही रेट लगाने। तो भाई हमारी रेट कितनी दे रहा था वो, देखो अंकित मूल्य हमारा कितना है MP और भाई बेचा कितना है उसने, MP हमारा 800 दे रहा है और ये हमारा 736 दे रहा है, देखो ध्यान से उसकी जो लिस्ट चिपकाई थी उसने भाई कितने की है 800 रुपये की और उसने बेची कितने में 736 रुपये में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 में 6 गया 4 और यहाँ बचा 9 क्या बचा यहाँ 9 में 3 गया 6 तो 64 आ गया। अब देखो अगर वो छूट पूछ रहा था हमने बताया था छूट किस पर निकालते हैं मार्क प्राइस पर, तो हम क्या करें 800/64/100 तो देखो 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया 8 से 8 64 तो 8% अगर वो डिस्काउंट देगा तो वस्तु वो 736 रुपये में खरीदेगा, तो 8% की क्या हो जाएगी उसके डिस्काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्काउंट। तो कुछ खास नहीं है बस उसका अंकित मूल्य दे देगा और सेलिंग प्राइस जो सेलिंग मूल्य है SP, तो SP दोनों हमने डिफरेंस किया 64 निकला। हम जानते हैं जब भी कोई छूट निकालेगा तो हम किस पर निकालते हैं छूट का मीन्स ये होता है कि अगर कोई जो अंकित मूल्य है उसी पर हम छूट निकालें, क्या निकालें अंकित मूल्य पर। तो भाई 800 रुपये था 800 का हम निकालेंगे बराबर 64 × 100 तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पंखे का मार्क प्राइस 150 है, कितना 150 रुपया है, कितना है 150 रुपये है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो ध्यान से तो हमारा मार्क प्राइस क्या है 150 रुपये है, ठीक है, तो उस पर उसने क्या किया 20% का क्या दिया डिस्काउंट, 20% भाई डिस्काउंट देगा तो 150 को 20% निकालें कितना निकलेगा 30, चलो बता दे रहे 150 × 20/100 बराबर कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया, वह 30 आ गया। अब देखो यहाँ से जो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो एक तरीका तो इस तरीके से हम निकाल सकते, एक तरीका और बता दे रहे देखो ध्यान से हमें इसने क्या किया हमें 15-20% डिस्काउंट दे रहा था 150 × 80/100 तो ये काट दो तो बराबर 120। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं 15-20% डिस्काउंट दे रहा तो 20 100 का 20 निकाल 100 में मतलब 20 कम हो जाएगा 80 15 × 80/100
बराबर 120। तो क्वेश्चनों को दो तरीके से कर सकते हैं। उसने ये कहा था 15 को जो वस्तु है 150 रुपये, उस पर 20% छूट दी, तो 20% निकाला हमने, कितने निकला 30। अब इन दोनों भाई टोटल निकाले तो 120 रह जाएगा, तो हमारा यही क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक, ये तरीका फर्स्ट है। दूसरा हम सीधा सीधा कर 20 का डिस्काउंट दे रहा, तो 80 हो जाएगा, 15 × 150 × 80 / 100 बराबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई 750 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु है, क्या है वस्तु, मतलब वस्तु रेडियो है, रेडियो सेट 750 रुपये का रेडियो सेट है, ठीक है, उस पर अंकित मूल्य है कितने, ये तो 570 रुपये में बेच देता है, 570 में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या होगी। तो देखो मार्क प्राइस और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 750 रुपये, 750 रुपये, और तो हमारा एस पी कितने दे रहा है, 570। तो याद रखना, जब भाई बस अंकित मूल्य इतना किया था 750 और माँ हमारा सेलिंग प्राइस इतना, तो इन दोनों को डिफरेंस निकालो, 0 × 15 = 7 = 8 और 6 × 5 = 1, तो 180 हो गया। तो हमें याद है, हमने अभी बताया था तुम्हें, जब निकालें तो हम किस पर निकालते हैं, एम पी पर। सो 750 मतलब छूट 180 × 100, 25 × 75, 0 से 0, ठीक, तो 3 से 1 काटे, 3 × 18, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 18 = 25 × 75 ऐसे जीतेंगे हम, ठीक। उसके बाद 25 × 75 = 100 और 25 × 75, 3 से 1 काटेंगे, 3 × 18, तो हमारा कितना हो गया, टोटल 24% का डिस्काउंट होगा, कितना होगा, 24% का डिस्काउंट होगा। तो वो क्या कह रहा है कि भाई अगर वस्तु 750 रुपये की है, अगर हम 570 में बेच रहे हैं, तो 24% का वो डिस्काउंट देगा, तब उसे रेट कितना मिलेगा, 570 रुपये। तो हमने लगभग आज क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चनों को देखें और कंटिन्यू क्वेश्चन लगाते रहे, उन्हें देखें, इनमें कोई अगर मिसिंग हो, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं।